So excited to reach Finland. -3 degree temperature. मैं खड़ी हूँ दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर और करने जा रही हूँ अपनी पहली इंटरनेशनल जर्नी दिल्ली टू फिनलैंड के लिए। सोच क्या रहे हैं, जल्दी से लगाइए हेडफोन, फुल स्क्रीन कीजिए और उड़ान भरने के लिए रेडी हो जाइए। इस समय बजे हैं 4 और मेरी जो फ्लाइट है वो है 8 बजे की, लेकिन 4 घंटे पहले चेक इन करना था तो हम यहाँ जल्दी पहुँच गए हैं। अंदर चलते हैं, बोर्डिंग पास कलेक्ट करते हैं और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो बोर्डिंग पास कलेक्ट करने में भी 1-1.5 घंटा चला गया क्योंकि यहाँ पर कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो आपको करनी होती हैं। कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, आपको अपना वीज़ा पीआर कार्ड्स दिखाने होते हैं और फाइनली मेरे हाथ में आ गए हैं मेरे बोर्डिंग पासेस और मुझे मिल गई है विंडो सीट। सिक्योरिटी चेक और इमिग्रेशन प्रोसेस से भी क्लियर हो गया है और इमिग्रेशन काफ़ी क्विक हो गया क्योंकि अव्यान हमारे साथ था, तो बच्चों के लिए एक अलग रो थी जिसमें हमारा जो काम था वो आसान हो गया। अब हम जा रहे हैं हमारे बोर्डिंग गेट की तरफ। सिक्योरिटी चेक पर काफ़ी टाइम लग जाता है क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो लोगों को पता नहीं होता और वो अपने साथ रख लेते हैं, लेकिन इंटरनेशनल फ्लाइट में सिर्फ 100 ml की बॉटल आप ला सकते हैं, वो अलाउड होती है। साथ में घर का खाना आप नहीं लेके आ सकते। यहाँ पर अंकुश मुझे जो हमारी फ़्लाइट है AY122 हेलसिंकी के लिए वो दिखा रहे हैं और बहुत ही हम एक्साइटेड हैं, बहुत इमोशनल हैं क्योंकि इमोशनल तो होना बनता है क्योंकि पूरा परिवार हमें छोड़ने आया था, हम इतना दूर जा रहे हैं। तो दिल्ली टू फिनलैंड पहुंचने में हमें 9 घंटे का टाइम लगेगा और ये डायरेक्ट फ्लाइट है फिनलैंड के लिए और जो कि हमने फिनएयर की एयरलाइन से वेबसाइट से बुक की थी डायरेक्ट। तो यहाँ बोर्डिंग शुरू हो गई है, सो ऑल सेट टू बोर्ड। ऐसे अंदर इंटरनेशनल फ्लाइट में 3 रोज होती हैं लेकिन हमें तो क्योंकि विंडो सीट मिली है तो हमारी रो एकदम अलग है। अव्यान बहुत एक्साइटेड है, हेडफोन निकाल लिए हैं। यहाँ के जो कैबिन हैं वो भी काफी बड़े हैं, काफी गहरे हैं, देखिए स्पेस कितना है इसमें। ये है फ्लाइट का अंदर का नज़ारा और यहाँ पर हमें ब्लैंकेट्स मिल गए हैं, एयरफोन मिल गए हैं और साथ में स्क्रीन्स पर आप पूरा रूट मैप, फ्लाइट कैमरा, एरियल व्यू पूरा देख सकते हैं। फ्रंट बैक कैमरास जो फ्लाइट के होते हैं वो चेक कर सकते हैं, फ्लाइट कहाँ पर पहुँची है, पूरा ग्लोबल व्यू आपको इसमें दिख जाएगा। और आप यहाँ पर बेझिझक 10 बार बेल बजाकर पानी, जूसेस या चॉकलेट्स मांग सकते हैं। तो यहाँ पर स्नैक्स और जूसेस सर्व होने शुरू हो गए हैं और हमने लिया है यहाँ पर क्योंकि काफ़ी अच्छा डिफरेंट दिख रहा था ब्लूबेरी जूस, और अव्यान के लिए हमने लिया यहाँ पर मैंगो जूस। और हमने जो अपनी मील बुक की थी वो वेजिटेरियन फूड हमने मील बुक की थी, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप नॉन वेज मील भी बुक कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर जो मेरी वेज मील है उसमें क्या क्या है। इसमें हमारे पास ये कुछ सैलड है, एक हमारे पास ये बन है, साथ में हमारे पास ये कुछ केक मिला है और इसमें क्या है इसमें भी देखना पड़ेगा। देखते हैं इसको खोल के। ओपन दिस। ओके, इसमें ये वेज, क्योंकि हम प्रॉपर वेज हैं, वेजिटेरियन हैं तो हमने वेज फूड लिया है विच इज़ लवली। एक्चुअली मैं जब थोड़ा सा मूवी देखने का टाइम था हमारे पास तो हमारी स्क्रीन्स में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इवन हमारी जो सीट थी तीनों की उन्हीं की स्क्रीन्स में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। हमने काफ़ी देर तक वेट किया, थोड़ा सा सॉल्व नहीं हो पाया, फिर थोड़ी देर बाद सॉल्व हुआ, फिर कुछ मूवी देख पाए और उसके बाद थोड़ा आराम किया और हो गया उसके बाद लैंडिंग का टाइम। 9 घंटे की जर्नी पूरी हो गई और बाहर है बहुत ही खूबसूरत स्नो का नज़ारा, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा है। फाइनली वी आर लैंडेड और सामने है हेलसिंकी।
हम लोग फाइनली फिनलैंड पहुंच गए हैं, हेलसिंकी जो कि फिनलैंड की कैपिटल है। और जो बाहर का टेम्परेचर है वो है -3। सो यहाँ हम जा रहे हैं इमिग्रेशन काउंटर पर, जहाँ हमें चेक कराने होंगे अपने पासपोर्ट्स और भी डॉक्यूमेंट्स जो भी वो मांगेंगे। सो वो चेक कराने के बाद हम जाके अपने बैगेज कलेक्ट करेंगे। काउंटर पर ज़्यादा टाइम नहीं लगा, लेकिन हाँ वहाँ पर चेक हुए हमारे वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, जो कि दिल्ली एयरपोर्ट पर नहीं चेक हुए थे, विच मीन्स कि आपके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट तो होना ही चाहिए। और यहाँ अब हम कलेक्ट कर रहे हैं अपना बैगेज, क्योंकि हमने 2 एक्स्ट्रा बैगेज लिए हैं तो काफ़ी टाइम लग रहा है बैगेज आने में। उसे कलेक्ट करते हैं और चलते हैं बाहर, क्योंकि बाहर है हमारी टैक्सी। So excited to reach Finland and welcome to Finland, welcome home. तो ये आए हैं हमें पिक करने के लिए, और तो चलते हैं बाहर। और ये है पूरा नज़ारा एयरपोर्ट का। यहाँ की टैक्सी जो कि है मर्सिडीज। हाय। सो फाइनली मैं आ गई हूँ फिनलैंड में, और यहाँ से होती है मेरी एक नई जर्नी की शुरुआत, क्योंकि मैं हो गई हूँ शिफ्ट फिनलैंड में। और आगे आने वाली वीडियोस में काफ़ी सारी वीडियोस आएंगी फिनलैंड से रिलेटेड, यहाँ का क्या कल्चर है, यहाँ के लोग इतने हैप्पी क्यों हैं, सब कुछ आपको वीडियोस में मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। पहले से भी आप बहुत मोटिवेट करते आए हैं मुझे, आगे भी आपकी ब्लेसिंग्स की, आपके प्यार की मुझे बहुत ज़रूरत है। सो आप ऐसे ही प्यार मेरे चैनल पर मुझे देते रहिएगा। एंड थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।